मेरा नाम है शायान अहमद और मैं फिर आपकी खिदमत में एक बार एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अभी हम अपनी शुरुआत दुरूद पाक से करते हैं। मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े उसे क़यामत के दिन मेरी शिफात मिलेगी। मेरे प्यारे आका का घर तो मदीने में है, लेकिन वो रहते तो आशिकों के सीने में हैं। सल्लु अलै हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में नाजिल हुआ और अक्सरियत रमज़ानुल मुबारक के कुरान पाक की तिलावत करते हैं। आए आज मैं आपको कुरान पाक के मुतालिक कुछ मालूमात देता हूँ, ताकि हम कुरान पाक का हक अदा करते हुए इसकी तिलावत कर सकें। अल्लाह हमें इखलास के साथ कुरान पाक की तिलावत करना नसीब फरमाए, आमीन। आइए सुनते हैं कि कुरान पाक का हक क्या है। कुरान पाक का पहला हक, कुरान पाक पर ईमान लाना एक मुसलमान पर लाजिम है और इसका इनकार करना कुफर है। सुनते हैं कि कुरान पाक का दूसरा हक क्या है। कुरान पाक का दूसरा हक, इससे मोहब्बत करना और दिल से इसकी ताज़ीम करना। कुरान पाक से मोहब्बत करना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान पाक का तीसरा हक क्या है। कुरान पाक का तीसरा हक, इसके बयान करदा आदाब व इखलाक को अपनाना और अपने अफालो किरदार का हिस्सा बनाना है। पाक का चौथा हक, इसकी तिलावत करना। कुरान की तिलावत जो रमजान में ही करते हैं वो जरा गौर से सुनिए। कुरान करीम की तिलावत अफजल इबादत है। कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है। कुरान पढ़ने से रहमत उतरती है। पांचवा और छठा आखिरी हक, कुरान को समझना और दूसरों तक पहुंचाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका। तर्जुमा, कुरान या तो तुम्हारा हक में दलील होगा या तुम्हारे खिलाफ दलील होगा। मैंने आपको कुरान पाक के 6 हक बताए। अल्लाह ताला इन हक को अदा करते हुए कुरान पाक की तिलावत करना नसीब फरमाए, आमीन। आइए मैं आपको कुरान के हवाले से थोड़ी मालूमात देता हूँ। इसके लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनको बुलाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अकीरत है। माशाल्लाह, हमारे साथ आज सैयद मौजूद हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 7 साल है। आप अभी क्या कर रही हैं? मैं अभी हिफ्ज कर रही हूँ। माशाल्लाह, हमारे साथ अभी ये हाफिज भी हैं। आप तैयार हैं हमें कुरान पाक की मालूमात देने के लिए? जी हाँ। तैयार है हमें मालूमात देने के लिए? जी हाँ। पहला सवाल, अल्लाह की आखिरी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? हमारे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद कौन सी जबान में नाजिल हुआ? अरबी जबान में। कुरान के कुल कितने सिपारे हैं? कुरान के कुल सिपारे 30 हैं। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरत अल-कौसर। आपने सुना, सूरत अल-कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है। छठे सवाल की तरफ, कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरत अल-बकरा। सवाल नंबर 7, मक्की और मदनी सूरतें कितनी हैं? मक्की सूरत 86 और मदनी सूरत 82। माशाल्लाह, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिस कि शुरू में ना बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और ना लिखी जाती है? सूरत तौबा। किसी सूरत का नाम
नबी के कबीले का नाम है? कुरैश। माशाल्लाह। हजरत जिब्राइल हफ्ते में किस दिन आपके पास वही लेके आते थे? पीर के दिन। आपने सुना पीर के दिन हजरत जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके जाते थे। पीर का दिन कितना मुबारक है। अपने अगले सवाल की तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सबसे अच्छा और बेहतरीन शख्स कौन है? जो कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान सिखाए। माशाल्लाह। कुरान में रुकू की तादाद कितनी है? 240। कुरान मजीद में सूरतों की तादाद कितनी है? 411। माशाल्लाह। कौन सी सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है? सूरत यासीन। सुना आपने सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। माशाल्लाह, सईदा किरत ने हमारी नॉलेज में इजाफा फरमाया और हमारे सारे सवाल के जवाब बिल्कुल सही दिए, तो इनके लिए एक छोटा सा तोहफा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।